हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय में पॉलिटी में आपको भाग 6 के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर के बारे में मैंने पढ़ाया आपको कल, उससे पहले मैंने राज्यपाल के बारे में पढ़ाया है। जो लोग SI EPSI की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग परेशान ना हो कि आपको शुरुआत से नहीं पढ़ाया गया। ये जैसे ही द एंड होगा तो मैं फिर से पूरी चीजें शुरू से इस पूरे को कवर करा दूंगा, जिससे कि आपका यह जो भाग है पॉलिटी, ये पूरी तरीके से आपका अच्छे से आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो आज उन्हीं के आगे हमें बात करनी है। ये जो हम प्रोग्राम आपको निःशुल्क कक्षाएं दे रहे हैं, इसके अंतर्गत जो है PDF सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, हर एक क्लास की आपको PDF प्राप्त करनी है। PDF के डेमो आप सभी को भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं और हर एक क्लास से संबंधित आपकी आगे क्विजेस भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उन सभी को आपको जो है एसेस करने के लिए 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो कि नाम मात्र का शुल्क है ₹499 का। इसको आपको क्या करना है, पे करना है, जिससे कि 3 महीने तक आपको जितनी भी 4 से 5 क्लासेज होती हैं, हर एक क्लास की आपको नोट्स उपलब्ध होती रहे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है, लोअर मेंस के फुल क्रैश कोर्स से जुड़ना है, EPFO से जुड़ना है, UPPCS से जुड़ना है, ठीक है, UPPCS BO से जुड़ना है, किसी भी कोर्स से जुड़ना है, तो आप उसके लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वहां पर यह बता दिया जाएगा कि आपको कैसे किस कोर्स में एडमिशन लेना है। अभी UPSI ASI निःशुल्क बैच प्रारंभ ही है, तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज हमें पढ़ना है राज्य विधानमंडल का गठन। आज आपका टॉपिक है राज्य विधानमंडल का गठन, ठीक है, यानी जो स्टेट आपकी असेंबली होती है, एक तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसके गठन के लेकर के हम सारी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सारी चीजों को सुनना। देखो, बात करें चाहे केंद्र के स्तर की चाहे राज्य के स्तर की, विधायिका दोनों जगह पर जो मौजूद है, विधायिका का जो स्वरूप हमें संसदीय व्यवस्था में दिखता है, वह आपके चाहे केंद्र स्तर की बात करें चाहे राज्य स्तर की बात करें, दोनों पर इसका समान रूप दिखता है। हालांकि कुछ राज्यों में आपकी द्विसदनीय विधायिका नहीं है और कुछ ही राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का अस्तित्व है। केंद्र पर विधायिका आपकी जो है किससे मिलकर बनती है, इसमें पहला नाम आता है राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति। दूसरी चीज जो इसमें होती है केंद्र में, इसमें लोकसभा, और तीसरा जो इसका आपका गठन मतलब अंग होता है वो होती है राज्यसभा। ये केंद्र के स्तर पर आपकी विधायिका का गठन है, मतलब जिसको हम संसद बोलते हैं। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। जब राज्य के स्तर पर इस चीज को हम देखते हैं तो यहां जो आपकी विधायिका है, इसका गठन भी 3 अंगों के साथ मिलकर होता है। इसमें आपका राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाता है, साथ ही साथ जो दोनों सदन है, एक आपका विधानसभा हो गया, ठीक है, और दूसरा जो आपके जिन राज्यों में पाई जाती है वहां पर विधान परिषद हो गया। तो एक ही जैसे हर जगह पर, दोनों जगह पर इसका फॉर्मेशन होता है। यहां पर राष्ट्रपति इसका जरूरी अंग होता है, यहां पर राज्यपाल इसका जो है जरूरी अंग है। तो राज्यपाल विधायिका का भी अंग होता है और साथ ही साथ जो होता है वह कार्यपालिका का भी एक जरूरी अंग होता है। तो राज्यपाल दोनों के अंतर्गत है। राज्यपाल को हमने पढ़ लिया है बहुत ढंग से, इससे पहले का लेक्चर है। विधायक जो है विधान, आज हमें पढ़ना है किसको, विधानसभा और विधान परिषद के गठन को लेकर के, कि भारतीय जो आपका संविधान है इसका अनुच्छेद 168 किसके लिए क्या प्रावधान करता है, इन्हीं सबसे संबंधित हम बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि राज्य सरकार की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसमें राज्य सरकार से संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। कोई ना कोई अनुच्छेद पूछ लेगा, अनुच्छेद के मैचिंग से सवाल पूछ लेगा, या सीधा सीधा पूछ लेगा कि जो है अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो इन्हीं सब पर हमें परिचर्चा करनी है। तो आज की हेडिंग आपकी हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कैसे कैसे है, क्या क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक इनके गठन का प्रावधान किया गया है, जो आपकी राज्य की विधायिका होती है। राज्य विधायिका का आपसे मान लीजिए पूछ ले कि वर्णन कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 168 से प्रारंभ होकर आपका अनुच्छेद जो है 212 तक है।
इसमें राज्य विधानमंडल की शक्तियां, सुविधाएं, कार्यवाही, अधिकारियों, कार्यकाल, संगठन आदि इन सभी के बारे में बहुत विधिवत रूप से परिचर्चा की गई है। तो अब एक एक आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं और जो आपके दोनों सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन जहां पर मौजूद है, उन सारी चीजों को हम यहां पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे राज्य विधानमंडल के गठन की। राज्य विधानमंडल के गठन में हर एक राज्यों में एक रूपता नहीं है। चलिए, तो अपने यहां अगर हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल के गठन की, तो हर एक स्टेट में आपको राज्य विधानमंडल के गठन में एक रूपता नहीं दिखेगी। कहीं कहीं पर आपको एक सदनीय विधानमंडल मिलेगा, कहीं कहीं दो सदनीय विधानमंडल मिलते हैं। अगर दो सदनीय यानी जहां पर राज्य विधान सभा भी है और साथ ही साथ विधान परिषद भी है, ऐसे राज्यों की संख्या आपसे बार बार पूछता है और ऐसे राज्य केवल छह हैं। इनमें दो सदन है, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी नाम सुनते हैं लेकिन उसमें राष्ट्रपति की जो है वो निकलनी थी, एक तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी करनी थी लेकिन वो आज तक जारी नहीं हुई, तो उसको मानते नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, वहां विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दोनों सदनों के गठन की बात करते हैं। तो विधानसभा के गठन की जब हम परिचर्चा करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, यह जो विधानसभा आपकी है, विधानसभा को हम ये बोल सकते हैं कि जैसे लोकसभा की स्थिति आपके केंद्र सरकार में होती है, ठीक है, संसद में होती है, वैसे राज्य विधायिका में आपके किसकी, विधानसभा का स्थान होता है। इसकी जो संख्या है सबसे कम और सबसे ज्यादा एक तरीके से, या यहां पर मैक्सिमम जैसे उसमें पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है, तो ध्यान दीजिए इसकी जो अधिकतम संख्या है यह 500 है और न्यूनतम संख्या 60 तय की गई है कि हर एक राज्यों में न्यूनतम 60 जो है विधानसभा सदस्य होने ही चाहिए और अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकते हैं। तो यह न्यूनतम और अधिकतम से सवाल पूछा है कई बार, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में इस बात को ध्यान रखना कि क्योंकि यह जो न्यूनतम संख्या है इससे छूट दी गई है इनको। यहां पर अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो इनमें 30 सीटें हैं गोवा में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, ठीक है, इनके लिए न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित है। अब इसमें मिजोरम की बात कर लेते हैं और नागालैंड की, तो मिजोरम और नागालैंड में 40-40 सीटें हैं दोनों में विधानसभा की। इनसे सवाल लगातार पूछा है, मैचिंग से सवाल पूछता है। यहां पर मिजोरम में 40 है और आपका जो नागालैंड है इसमें 46 सीटें हैं विधानसभा की। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं, उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि विधानसभा है तो यहां पर भाई सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से ही चुन के आते हैं। लेकिन आपका जो है सिक्किम और नागालैंड की जो विधानसभा है इसमें कुछ लोगों को इनडायरेक्ट जो है मेथड से भी इलेक्ट किया जाता है। तो ये इतनी जो विधानसभाएं, इनसे सवाल हमेशा पूछता है, जहां पर ये अंतर कम दिख रहा है जैसे मिजोरम नागालैंड हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा हो गया, ठीक है, इनसे सवाल हमेशा पूछता है क्योंकि ये जो न्यूनतम 60 निर्धारित की गई उसको या नहीं जो है रखते हैं अपने यहां, इस वजह से इनसे सवाल बनता है। अब हम बात करते हैं मनोनीत सदस्य, इसमें नॉमिनेशन कैसे होता है सदस्यों का। तो राज्यपाल जो है आंग्ल भारतीय, जो एंग्लो इंडियन, जैसे वहां पर आपके 14 होते हैं संसद में, ऐसे यहां पर भी जो है मनोनीत किए जाते हैं। यहां पर जो मनोनीत होता है वह एक सदस्य मनोनीत किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण की। अगर देखें कि विधानसभा जो आपकी होती है, मतलब निचला सदन जो होता है, इसमें एससी और एसटी के लिए सीटें आपकी कैसी होती हैं, तो देखिए संविधान में अगर हम बात करते हैं तो राज्य जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, जैसे राज्य जनसंख्या का आपका रेशियो होगा उस आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए एससी और एसटी की आपकी सीटें फिक्स की जाती हैं। कि अगर उसमें मान लीजिए कहीं पर 2% है, 1% है, 10% है, 10 तो नौबत नहीं पहुंचती, हालांकि कुछ राज्यों में जहां जनजाति है वहां तो रहेंगे ही।
आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद कैसे गठित की जाती है। देखो इसमें जो आपकी संख्या बल होती है विधान परिषद में, यहां पर विधानसभा सदस्यों से हटकर विधान परिषद का सबसे पहले जो सदस्य है ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड इनके लिए है इलेक्शन का। दूसरी बात, परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की एक तिहाई, ये सवाल पूछता है कि अधिकतम विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वहां की जो विधानसभा होगी उस विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसकी एक तिहाई जो संख्या होगी वो अधिकतम यहां पर किसी भी राज्य विधान परिषद में संख्या होगी। यहां पर जो न्यूनतम संख्या रखी गई वह 40 निर्धारित की गई है, ठीक है, कि 40 होनी चाहिए न्यूनतम, और जो अधिकतम होनी चाहिए वह राज्य की विधानसभा का एक तिहाई होनी चाहिए। निर्वाचन पद्धति इसमें क्या चलता है, विधान परिषद के चुनाव को समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट रूप से होता है इलेक्शन, तो विधान परिषद का जो इलेक्शन होता है इसके जितने सदस्य होंगे उस राज्य विधान परिषद में उनके एक तिहाई सदस्यों को स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गया, इनके द्वारा चुने जाएंगे एक तिहाई सदस्य, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें 90 हैं तो 90 में से यहां पर कितने 10 जो सदस्य होंगे वो 30 सदस्य होंगे, वो 30 सदस्य किससे चुने जाएंगे, वो चुने जाएंगे आपके जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय स्वशासन के निकाय हैं उनसे। बाकी जो चीजें बसती उसमें 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक, ठीक है, निर्वाचित कर सकते हैं उस राज्य के जो स्नातक धारी लोग हैं, ठीक है, 3 वर्ष से ज्यादा जिनको ये चीजें हो गई हैं वो लोग 1/12 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं विधान परिषद में। 1/12 सदस्य जो और हैं इनका निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जो टीचर हैं शिक्षक हैं वो भी वोट डालते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम स्तर के नहीं होने चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। प्राइमरी फिर आपका माध्यमिक फिर आपकी अन्य चीजें चलती हैं, तो ये चीजों को ध्यान रखना है 3 वर्ष दोनों के लिए, 1/12 इसके लिए, 1/12 जो लोग स्नातक हैं उनके लिए। आगे बात आती है, एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो राज्य विधानसभा होगी उनके सदस्य भी एक तिहाई सदस्यों का चुनाव इसमें करते हैं, और बाकी जो सदस्य बच जाते हैं इनका नामांकन राज्यपाल द्वारा लोगों के बीच से किया जाता है, जिन्हें साहित्य ज्ञान कला सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव होता है, ऐसे व्यक्तियों का ये लोग क्या करते हैं, मतलब राज्यपाल ऐसे लोगों को मनोनीत करता है विधान परिषद में। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक, इनडायरेक्ट मेथड से 5/6 आपके सदस्य चुन लिए गए, बाकी जितने बचे 1/6 ही भाग तो बचा, उस 1/6 भाग को राज्यपाल मनोनीत करता है, ठीक है। ये राज्य विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया होती है कि कैसे कैसे इलेक्शन वहां किए जाते हैं। अब दोनों सदनों के कार्यकाल में बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, जो आपकी विधानसभा होती है, विधानसभा के बारे में आप सारे लोग जानते हैं कि इसका जो कार्यकाल होता है यह कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ये जो सदन है विधानसभा ये अस्थाई सदन होती है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होता है और फिर यहां पर जो है चुनाव के बाद नई सरकार फिर से यहां गठित होती है। जो आपका विधान परिषद है, विधान परिषद में अगर हम बात करें तो इसमें भी वही चीजें जैसे आपकी, एक तो ये अनब्रेकेबल है, मतलब इसकी जो चेन बनाई गई है वो टूटती नहीं है, हमेशा चलने वाली है। इसमें जैसे 5 साल है उसका आपका उसी हिसाब से होता है 6 साल वाला, ठीक, तो जैसे वहां पर है वैसे ही वो है चीजें दोनों। यहां पर अगर देखा जाए विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है जैसे ही इसका काल समाप्त होता है, इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन इसको किसी भी समय भंग करने के लिए राज्यपाल जो है अधिकृत आपका प्राधिकारी है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और वह कितने भी समय के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और कब, वह जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो। आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद वही चीजें हैं, नियमित सदन है, भंग नहीं होगा, एक तिहाई जो सदस्य हैं वो हर दूसरे वर्ष इसके भी सेवानिवृत्त होते रहते हैं,
जैसे आपकी राज्य सभा चलती वैसे विधान परिषद की स्थिति है। अब हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल की सदस्यता को लेकर के, कि अगर राज्य विधानमंडल आप में आपको चुना जाना है, आपको एमएलए बनना है, विधायकी का चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, संविधान में कुछ चीजें बताई गई हैं, कंपलसरी हैं, वो अर्हता आपको रखना चाहिए। विधायक बनने के लिए सबसे बड़ी बात है आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो विधानसभा के मामले में 25 और राज्य जो विधान परिषद होती है इस मामले में 30 वर्ष। ठीक है, ये कम से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। उसके बाद संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी उसमें वही होनी चाहिए जो दिवालिया पागल ये सब, ठीक है, जानते ही जानते हैं। विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में भी होना चाहिए। ठीक है, अयोग्यता क्या, किस आधार पर आपको हम अयोग्य ठहराएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे। राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने पर संविधान के तहत उस व्यक्ति को निम्नलिखित कारणों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले आपके 20 विधायकों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अयोग्य ठहरा दिया था। ठीक है, उनमें यही चीजें थी कि वो सारी चीजें अनियहरताएं सब कुछ थी, लेकिन उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो है दोषी पाया गया, लाभ के पद का दोषी पाया गया। यहां पर देखिए किस कारण से आप अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के तहत उसे अयोग्य अगर करार दिया गया है तो वह अयोग्य होगा। दूसरी बात, यदि वह केंद्रीय राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप धारित ना करते हो, यह जरूरी है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ऐसे पद हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, यदि उसे कानूनी तौर पर पागल घोषित किया गया है तब भी वो विधायक नहीं बनेगा भैया, और अगर आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया है तब भी आप विधायक नहीं बन सकते हैं। तो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए उसे, किसी कानून के द्वारा जो है अयोग्य न ठहराया गया हो, ये सारी चीजें नहीं है तो विधायक आप बन सकते हैं बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, दल बदल के आधार पर अगर आपको अयोग्य ठहराना है तो दल बदल प्रावधान ये जानते ही जानते हैं, आपकी 10वीं अनुसूची इससे संबंधित है। जो चीजें वहां के लिए हैं, आपके सदन के लिए हैं, संसद के लिए, वही चीजें यहां पर भी काम करती हैं। इसमें बात यह है कि अगर दल बदल के आधार पर अयोग्यता का मामला उठता है तो विधान परिषद के मामले में सभापति उस पर उससे संबंधित निर्णय लेगा और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष, ठीक है, फैसला करेगा। इस बात को याद रखना, राज्यपाल यहां पर नहीं होता है, समझे। आगे बढ़ते हैं, स्थान अगर खाली हो जाते हैं तो भैया दोहरी सदस्यता जहां पर भी होगी वहां स्थान खाली ही खाली होता है। ठीक है, पता चला कि विधायक जी हैं और अगली बार जो है बीच में संसद का चुनाव पड़ा और वो बन गए कौन, वो बन गए आपके एमपी, तो एमएलए साहब जब एमपी बन गए तो एक सीट उनको छोड़ना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि अयोग्य पाया जाता तो उसका पद अपने आप खाली हो जाएगा। त्याग पत्र अगर किसी ने दे दिया, लिखित परिषद दे दिया विधान परिषद के मामले में सभापति को और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को, तो भी उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। ठीक है, यह सब सामान्य सी बातें हैं। अनुपस्थित, यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक, ठीक है, राज्य के मामले में 60 दिन तक है, 60 दिन तक बैठकों से लगातार अगर अनुपस्थित रह रहा है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लगातार 60 दिन बैठकों से अनुपस्थित चल रहा है तो उसका रिक्त स्थान सदन रिक्त घोषित कर सकता है उसके पद को। अन्य मामलों में कैसे इसका स्थान खाली होगा, किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए। ठीक है, दूसरी बात, यदि उसे सदन से निकाल दिया जाए तब भी होगा। तीसरी बात, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए। और चौथी चीज, जब न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को ही अमान्य कर दिया जाए तब भी वो क्या होगा, आपका जो है अयोग्य साबित हो जाएगा। अब विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, जैसे मैंने संसद में पढ़ाया था वही चीजें हैं। देखिए, विधानमंडल जो आपका होगा इसके प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, चाहे उच्च सदन की बात करें, चाहे निम्न सदन की, चाहे हम विधान परिषद की बात करें, चाहे हम विधानसभा की, दोनों सभा में आपके, जैसे अब यहां पर केंद्र में जो बात करें, केंद्र में तो जो लोग लोकसभा में जो पार्टी चुनकी गई, जो सदस्य चुनके गए नए चुनाव के बाद, उन्हीं में से किसी एक को बना दिया गया अध्यक्ष। लेकिन जो
राज्यसभा की बात है, राज्यसभा में आपके जो वाइस प्रेसिडेंट की अपनी पोस्ट है, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वो राज्यसभा के उसका सदन का सभापति होता है। अब विधान परिषद में बात करें, अगर हर एक राज्य है उस राज्य का विधान जो है विधान परिषद का सभापति होगा और आपका उपाध्यक्ष होगा। यहां पर विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, ठीक है। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष पदासीन रहता है, हालांकि समय से पूर्व भी वह निम्नलिखित मामलों में अपना पद छोड़ सकता है। कब? यदि विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर उसे हटा दिया जाए तब भी वो पद से हट जाएगा। दूसरी बात, यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए तब भी वह अपने पद से हट जाएगा। तीसरी बात, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना जो है त्यागपत्र दे दे लिखे तो भी उसकी सीट रिक्त हो सकती है। अब बात करते हैं अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या है, कार्य क्या क्या है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य क्या क्या होते हैं। देखो, प्रथम मामले में वह मत नहीं देगा, लेकिन जहां बराबर की स्थिति आ गई, वोट पड़े और उसमें पक्ष विपक्ष दोनों के वोटों की संख्या जो है बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार होता है, हक होता है। दूसरी बात, सदन के नेताओं के आग्रह पर वह विशेष बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है। वह इस बात का निर्णय कर सकता कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्य के मामले में जो विधानसभा अध्यक्ष है वह ऐसा करता है कि यह मनी बिल है कि नहीं आपका, इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक यही चीज आपकी लोकसभा में होती है, वहां जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वही मनी बिल को डिफाइन करता है। आगे बात करते हैं, जो दसवीं अनुसूची है इसके आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता को लेकर उठे किसी विवाद पर यह अपना फैसला दे सकता है विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है। कोरम के ना पूरा होने पर वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर देता है। सब कुछ वही प्रक्रिया है जो चीजें वहां पर चलती हैं। अब विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें, ये जैसे अध्यक्ष है उसी तरीके से उपाध्यक्ष भी उन्हीं लोगों के, उन्हीं सदस्यों के बीच में से कोई एक बना लिया जाता है, ठीक है, और यह भी अपने विधानसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर आसीन होता है, बना रहता। हालांकि समय से पूर्व यह भी जा सकता, तीन मामलों में। एक, विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर इसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर दें तब भी यह हट जाएगा। दूसरी बात, यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए तो वो हट जाएगा। तीसरी बात, वो अध्यक्ष को लिखित रूप से इस्तीफा दे दे तब भी वो हो जाएगा, आपका उसका पद रिक्त हो जाएगा। अब विधान परिषद का जो सभापति होता है इसको समझते हैं। जैसे आपका राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति कहा जाएगा और जो लोकसभा उसका अध्यक्ष, ऐसे विधानसभा का अध्यक्ष बोलेंगे, सभापति नहीं, विधानसभा का अध्यक्ष, और जो विधान परिषद उसका सभापति, अध्यक्ष नहीं सभापति। देखिए, विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं, ठीक, यहां वाइस प्रेसिडेंट स्टेट में तो कोई व्यवस्था है नहीं, ठीक, वहां पर क्या है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होगा आपका वो आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है, लेकिन यहां पर जो सभापति चुनते हैं विधान परिषद में वह भी अपने बीच से ही चुन लेते हैं सदस्यगण। साथ ही साथ सभापति का जो पद है वह तीन मामलों में भी खाली हो सकता, वही चीजें, बहुमत पर अगर हटा दिया जाए और सदस्यता समाप्त हो गई है या वह लिखित जो है इस्तीफा दे दे, तो ये तीन तरीके से उसका पद समाप्त हो जाएगा विधान परिषद के अध्यक्ष का। अब बात करते हैं विधान परिषद का उपसभापति, वही सेम तरीके से अपने ही बीच से चुनते हैं। उपसभापति का पद भी तीन तरीके से रिक्त होता है, जो सभी में बताया गया वही चीजें इसमें भी आती हैं। अब राज्य विधानमंडल के सत्र को पढ़ते हैं, ठीक है, कि राज्य विधानमंडल में सत्र कैसे कैसे चलते हैं, सत्र का स्थगन कब होता है, आह्वान कब होता है, ठीक, बैठकें कैसे चलती हैं, इन पर बात करते हैं। जैसे मैंने संसद में आपको पढ़ाया था कि संसद में जो आपका यह सत्र होता है विधानमंडल का, इसमें सबसे पहले बैठक बुलाई जाती है, बैठक के लिए बुलावा होता है, ठीक, उसमें भी जब आपकी पहली विधान जो है लोकसभा गठित होती है तो सभी को राष्ट्रपति जो है बुलाता है सदन में पहली बैठक के लिए। यहां पर राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। दोनों सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यह सवाल संसद के मामले में भी पूछता है और राज्य विधानसभा के मामले में भी पूछता ही पूछता है। दूसरी बात,
स्थगन क्या है, बैठक को विशेष काल के लिए स्थगित भी किया जा सकता, यह समय घंटों दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है। ठीक है, जो बैठकें चलती हैं उस बैठक को रोक दिया जाए, उस पर स्थगन लगा दिया जाए, तो इसके लिए कोई समय नहीं निर्धारित है कि 6 घंटे के लिए 4 घंटे, वो राज्यपाल पर डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं, विघटन की बात करते हैं। विघटन एक अस्थाई सदन के होने के नाते विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता, सिर्फ विधानसभा का विघटन होता है। ठीक है, स्थगन के विपरीत विघटन जो है, अगर विघटन हो गया, बोला गया कि जो है विधान परिषद का या विधान एक तरीके से राज्य विधायिका का विघटन हो गया, विधानसभा का विघटन हो गया, तो वहां का विघटन का मतलब हो गया कि जो सदन आपका चल रहा था वह समाप्त हो गया, अब वहां पर आम चुनाव होगा। लेकिन स्थगन क्या है कि कुछ दिन के लिए रोकना, जहां विघटन की बात आई गई मतलब वो पूरी तरीके से समाप्त होगा, अब आम चुनाव के बाद ही नया सत्र प्रारंभ होगा। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा के विघटन होने पर विधेयकों के खारिज होने को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित हो, यानी एक सदनीय विधानमंडल वाले राज्य की बात कर रहा, या दोनों सदनों द्वारा पारित हो, मतलब जहां पर दो आपके सदनीय व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा द्वारा पारित लेकिन विधान परिषद द्वारा लंबित विधेयक खारिज हो जाता है। ठीक, तीसरी बात, विधानसभा में लंबित है अगर कोई विधेयक है तो वह खारिज हो जाएगा, विधानसभा में भी अगर पेंडिंग कोई पड़ा है तो वह खारिज हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ अन्य पॉइंट की ओर। जैसे मैंने एक शब्द आपका कोरम उठाया था, गढ़पुर, ये उसमें भी हमने बात किया था, संसद में भी, यहां पर भी कोरम होता है। अगर जो है सदन चलना है, विधानसभा की बैठक होनी है, बैठक चलनी है, ठीक है, तो उसके लिए कोरम का पूरा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, गणपूर्ति होना बड़ा आवश्यक है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या कोरम कहलाती है। यह सदन में कुल सदस्यों का 1/10, यानी जो कार्यकारी अधिकारी है, मतलब विधानसभा अध्यक्ष है या विधान परिषद आपका सभापति है, उसको जोड़कर 1/10 जरूर होना चाहिए, तभी सत्र आपका चलेगा। यह निर्धारित किया गया है, कोरम है, ये ज्यादा भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सदन में मतदान की व्यवस्था पर अगर परिचर्चा करें, तो किसी भी सदन की बैठक में कार्यकारी अधिकारियों को छोड़कर तय किए गए सभी मामलों को बहुमत के आधार पर तय किया जाता। केवल कुछ ही मामले हैं जिन्हें विशेष तरीके से संविधान में तय किया गया, जैसे आपका विधानसभा अध्यक्ष को हटाना या विधान परिषद के सभापति को हटाना, इनमें जो है सामान्य बहुमत की बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब दोनों सदनों से 2/3 बहुमत होना जरूरी है विशेष बहुमत में। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद, विधानमंडल में भाषा की अगर बात करें, तो भैया विधानमंडल में कामकाज संपन्न कराने के लिए संविधान कार्यालयी भाषा या उस राज्य के लिए हिंदी या अंग्रेजी की घोषणा करता है। हालांकि विधायी अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है, वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। ठीक है, वो कार्यकारी अधिकारी पर डिपेंड होता है, जो विधायी अधिकारी है वो कर सकता। अब हम बात करते हैं, कोई जो आपका मंत्री है राज्य का या जो महाधिवक्ता है राज्य का, इसके सदन में क्या अधिकार है। देखें, प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले एवं सदन से संबद्ध समिति जिसके लिए वह सदस्य रूप में नामित है, वोट देने के अधिकार के बिना, ठीक है, भाग ले सकता है। ये किसी भी मंत्री को और किसी भी आपके मतलब महाधिवक्ता को यह अधिकार आपके मिले हैं। एक मंत्री जो एक सदन का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह मंत्री को क्या होती है, अधिकार मिला होता है, इतनी छूट होती है। ठीक है, वही चीज आपके महाधिवक्ता की भी बात होती है, इसको भी आपके सदनों में की बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इतनी सारी चीजें आपकी रही राज्य विधानमंडल से संबंधित। कल हम इसमें बात कर लेंगे कि जैसे धन विधेयक, यहाँ लोकसभा मतलब राज्यसभा और लोकसभा की स्थितियों में क्या क्या अंतर है, प्रमुख रूप से हो जाएगा। तो ये भाग 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग 10+ पहले सब्सक्रिप्शन लिए प्लान पढ़ रहे हैं, वो लोग अपना प्लान रिन्यू करा लें, इससे आगे जितनी भी आपकी जीएस की सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेंगी, चलती रहेंगी। ठीक है, और आप सारे लोगों की सारी क्लासेस भी कवर हो जाएंगी। अब लेखपाल भी
जिन लोगों ने पहले कोर्स के अंतर्गत लिया था तो लेखपाल भी आपकी भाई आ चुकी है, आने वाली ही है, ऐसे आपकी एसआई भी एसआई चल रही है, तो सारे लोग भैया सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो जिससे कि आपको डेली बेसिस पर कुछ बढ़िया से बढ़िया हम उपलब्ध कराते रहे। तो फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।